फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर सरकारी अधिकारियों से फोन पर जमीन से जुड़े कागजात मांगने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गैंग के आरोपी विभाग से प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेकर फर्जी कागजात बनाकर लोगों से मोटी रकम वसूलने का काम करते थे। देहरादून के उपजिलाधिकारी ने बताया कि कमल सिंह नाम के आरोपी ने उन्हें इनकम टैक्स ऑफिसर का ज्वाइंट कमिश्नर बनकर जमीन के संबंध में जानकारी मांगी थी और जानकारी को जुटाकर दूसरे फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर गुलशन कुमार को देने की बात कही थी, लेकिन जानकारी को जुटाने के बाद जब जमीन से जुड़े कागजात की हार्ड कॉपी दी गई तभी आरोपी से बात के दौरान जब उप जिलाधिकारी को शक हुआ, ऐसे में आयकर कार्यालय में फोन लगाकर जब इस नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला इस नाम के अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में है ही नहीं। इस दौरान मामले की जानकारी पुलिस को देने पर डीएसपी दिलीप सिंह ने आरोपियों के गैंग का पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं जो कि जमीन से जुड़े फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों से ठगी करने का काम करते हैं। गगनदीप सुनो अमनदीप है, सहारनपुर का रहने वाला है और इसका एक सहयोगी है मंदजीत सुनो विक्रांत, ये भी सहारनपुर का रहने वाला है। होता ये है कि गगनदीप जो है एक फर्जी तौर पर गगनदीप एक कमल सिंह ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स बन करके इसलिए जमीन के खरीद फरोख को लेकर के तहसील विकास नगर में वहाँ के एसडीएम को तहसीलदार को और अन्य अधिकारियों को फोन किया। ये गगनदीप जो है बेसिकली जब जेल में गया 2022 में एक फॉर्जरी के मामले में सहारनपुर में, इसकी मुलाकात महेश त्यागी नाम के एक इसी प्रकार के जो जमीन के खरीद फरोख में जो वो फोटो बना करके और टोकन मनी के लेकर के पैसा हड़प करके भाग जाने वाला काम होता था उससे उसकी मुलाकात हुई और वहीं से इसके एक जो मुंतजीर है मुंतजीर में मिलाई के लिए आते हैं जेल में तो उससे इसकी मुलाकात हुई गगनदीप में। फिर मुंतजीर और गगनदीप ने मिलकर के योजना बनाई कि एक इकबाल हाजी का जो एक मुंशी है जरीफ, उसका 6 बीघा जमीन विकास नगर क्षेत्र में है और उस जमीन को दिखा करके ग्राहक को दिखा करके कैसे उसमें टोकन मनी हासिल किया जाए। उसमें दो इसके ग्राहक आते हैं शेठपाल और भरत खाड़ी और उनको मिला करके पकड़ा, इसलिए इनकम टैक्स विभाग वहाँ ऑफिस से भी जा करके वहाँ अपने को दिखाया, उसने मैं इनकम टैक्स ऑफिस से बाहर आते हुए और मुतबीन किया दोनों को कि वहाँ मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। तो अपने सामने उसने काफ़ी अधिकारियों को फोन किया। इनका पर्पज़ ये था कि जो हाजी इकबाल का जो मुंशी है जरीफ, उसके 6 बीघा के लेन देन को लेकर के उसमें टोकन मनी 50,000 रुपया लिया जाए, उसी बात करके पूरा ये पर्पज रचा गया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।